दोस्तों ये वाला इफेक्ट आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, तो पहली बार मैं ईडीएस में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस इफेक्ट को बना सकते हैं। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सॉफ्टवेयर मैंने ओपन कर रखा है, सबसे पहले जाएंगे हम बिन में, यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं फाइल को। इंपोर्ट हो गई है, इसको टाइमलाइन पे रख लेता हूँ इस तरीके से। अब इसको थोड़ा सा प्ले करके देखेंगे, जितना शॉर्ट चाहिए हम उतना शॉर्ट रखेंगे, बाकी आगे पीछे में जो हमारे को अच्छा नहीं लगेगा उसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है, शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, अपने कीबोर्ड का एन प्रेस करना है अपने, और आगे का शॉर्ट कट जाएगा उतना। हेड टच होने तक का मुझे शॉर्ट लेना है, तो इसके बाद एम प्रेस करेंगे और पीछे का डिलीट हो जाएगा। तो इतनी बड़ी क्लिप मुझे चाहिए, प्ले करके देखते हैं परफेक्ट है कि नहीं है। तो इतनी परफेक्ट है, इसकी स्पीड बढ़ा देता हूँ, ऑल्ट प्लस ई दबाएंगे। मैंने स्पीड इसकी 50% कर दी है, तो अब आप देख सकते हैं। तो ये हमारा शॉट फाइनल है, इस क्लिप को कॉपी कर लेते हैं। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ कंट्रोल सी, और ऊपर वाले ट्रैक को सिलेक्ट करने के लिए इस पर क्लिक कर दूंगा और कंट्रोल बी कर दूंगा। तो इस तरीके से दो लेयर हो जाएंगे। इसके बाद आपने ऊपर वाली क्लिप को सिलेक्ट करना है, F7 प्रेस करना है, इस तरीके से एक स्क्रीन खुल जाएगी। तो यहाँ पर आपने जाना है, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे जाना है स्ट्रेस पे, 53.3 हो रखा है, इसको बढ़ा देंगे इस तरीके से। और एंकर पे जाके थोड़ा सा इसको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, मिड में रखेंगे इसको, ओके कर देंगे। अभी ये परफेक्ट लग रहा है, थोड़ा प्ले करके देख लेते हैं। अब इस वाली क्लिप को पकड़ के साइड में कर देते हैं और नीचे वाली को ऊपर कर देंगे और ऊपर वाली को नीचे रख देंगे इस तरीके से। ठीक है, ऊपर वाली पे क्लिक करेंगे और F7 प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ से डाउन नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ से स्ट्रेस करेंगे और ये वाला एक ग्राफ है, लेफ्ट राइट अप डाउन कर सकते हो, तो मैं यहाँ से डाउन कर देता हूँ, इतना रख लेता हूँ इसको। ठीक है, और इसको भी एडजस्ट कर लेता हूँ। ये वाली जो लाइन देख रहे हो आप बीच में, इनका फेस इसके बीच में आना चाहिए, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा ऊपर करके एंकर पे जाके इसको एडजस्ट कर लेता हूँ इतना। ठीक है, उसके बाद कर देते हैं ओके। अब हमें जाना है इफेक्ट पे, इफेक्ट में जाना है यहाँ पे वीडियो फिल्टर पे, इसके एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से स्क्रॉल करेंगे माउस से, और यहाँ से ले लेंगे मास्क और इसको इस पर ड्रॉप कर दूँगा ऊपर वाली क्लिप पे। और यहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन ऊपर भी आ सकता है, जैसे बीन इफेक्ट, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हो सकता है आपका। मैंने यहाँ से इसको हटा के यहाँ पे नीचे लगा दिया, तो मैं यहाँ से इस तरीके से यूज़ करूँगा। इसके मास्क पे डबल क्लिक करना है आपने, उसके बाद आपकी ऐसी विंडो खुल जाएगी, तो यहाँ से आपने इसकी कटिंग करनी है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप इसको कर लो 150 कर लिया मैंने यहाँ से। कीबोर्ड में एच प्रेस करेंगे, एच प्रेस से ये हैंड आ जाएगा और इसको ऊपर कर लेते हैं इस तरीके से। कंट्रोल दबा कर स्क्रॉल करके भी छोटा या बड़ा कर सकते हो इस तरीके से। हमने इसकी कटिंग करनी है, तो यहाँ से पेन टूल ले लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा स्ट्रेस कर लूँगा मैं, कीबोर्ड में से पी प्रेस करूँगा, तो यहाँ से आप कटिंग कर लो इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ, और इसको छोटा कर लेंगे यहाँ से दोनों को मैच करके। यहाँ पे आप, यहाँ पे मिलेगा इनसाइड और आउटसाइड, तो यहाँ पे जो ओपेसिटी है वो 100 है, इसको मैं कर देता हूँ 0। कलर लिखा हुआ है यहाँ सॉफ्ट कलर, तो दोनों पर क्लिक कर दूंगा मैं, और सॉफ्ट को यहाँ से कर दूंगा 10%। कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर दिया, और उसके बाद यहाँ से ब्लैक पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। तो इस तरीके से इसका साइड बॉर्डर ब्लैक बन जाएगा, ओके कर दिया मैंने। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बन गया ये। ठीक है, उसके बाद दोबारा से इफेक्ट में जाएंगे, वीडियो फिल्टर के नीचे मिलेगा कलर करेक्शन, इस पर क्लिक करेंगे इसके एरो पे, और यहाँ पे मिल जाएगा कलर बैलेंस, इसको पकड़ के आपने ड्रॉप कर देना ऊपर वाली क्लिप पे, मिल जाएगा आपको कलर बैलेंस इन्फॉर्मेशन है, इस पर डबल क्लिक करना है। क्रोमा कर देंगे -128, और यहाँ से जो ब्रिज है इसको भी थोड़ा सा कम कर देते हैं, यहाँ पे कंट्रास्ट है उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, हल्का सा 5% कर देते हैं, यहाँ से कर देंगे ओके। तो इस तरीके से दिखने लग जाएगी आप, तो ऊपर वाली क्लिप में से कलर को उठा के नीचे वाले पे भी ड्रॉप कर देंगे, तो इस तरीके से हो जाएगी आपकी फाइल। प्ले करके देख लेते हैं, नीचे वाली क्लिप को सिलेक्ट कर लेंगे, माउस से क्लिक किया, F7 प्रेस करना है, उसके बाद यहाँ से डाउन करना है, और यहाँ पे मिलेगा आपको ओपेसिटी एंड कलर, इसको कर देते हैं 30%, और यहाँ से कर देते हैं ओके। तो अब आप देख सकते हैं, इसको प्ले करके देखते हैं, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, उसको ठीक कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ से जूम कर लूँगा, 200 कर दिया, स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से कर लेंगे एडिट शेप, जहाँ जहाँ आपने कटिंग करी है उन सब को एडजस्ट कर पाओगे आप, है ना। आपने इस पर क्लिक करना है, कीबोर्ड से लेफ्ट राइट वाली की को प्रेस करके आगे पीछे कर सकते हैं इस तरीके से।
जैसे ये डॉट्स बने हुए हैं, इन डॉट्स को मुझे ऐड करना है, तो यहाँ पे कर दो ऐड वर्टेक्स, क्लिक करना है और यहाँ से इस तरीके से आप आगे पीछे कर सकते हो इस तरीके से। अभी यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, दोबारा से यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे एडिट शेप पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो मैंने ये कर दिया, थोड़ा सा और इसको ऐड कर देते हैं। तो अभी क्या है, डिलीट वर्टेक्स कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि नोज इस तरीके से इस इफेक्ट को आप बना सकते हो, काफी इजी है। ट्रांजेक्शन इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे मिलेगा डिजोल्व को, इधर रख देता हूँ। डिजोल्व पर रखने के बाद आप इस तरीके से डिजोल्व बड़ा कर दो, तो इस तरीके से भी आप एक यूनिक इफेक्ट बना सकते हो जो कि काफी ज्यादा अच्छा लगेगा।